अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का सामने से मैं एक दीनी इस्लाम जमात वीडियो लेकर आया था, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। देखता हूँ गाइस वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। चलो गाइस आप लोग भी देख लीजिए, मैं भी देखूंगा वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अब्बू कहाँ है? वो सो रहे हैं। सो रहे? अब्बू को बोलो तबलीगी जमात आई है। सुभान। अब्बू कह रहा है मैं घर पर नहीं हूँ। अब्बू कह रहे हैं वो घर पे नहीं है। बेटा अब्बू को जाके बोल दो मगरिब की नमाज के बाद दीन यकीन की बात होगी मस्जिद में, मस्जिद तशरीफ ले। जी अंकल। सुभान अल्लाह। इलियास भाई मस्जिद की तरफ चले। सुभान अल्लाह। अमीर साहब। जी इलियास भाई। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? ज़रूर पूछ सकते हैं। ये हमारे साथ जो नकाश भाई, ये लोग भी ट्रेन में आ चुके हैं। आपने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए कहाँ से कैसे कबूल किया है? इलियास भाई ये 2016 की बात है कि हम लाहौर रायमंड इज्तम के लिए अभी उन लोग के लिए चाय लेकर आया था, शायरी पिएगी। खिदमत वाले आप लोग चाय का बंदोबस्त साथ में ले करो। अमीर साहब चाय आ गए। जजाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अमीर साहब वो सामान में खजूर भी खत्म हो रहे हैं। नासिर साहब रास्ते में ले लें। सही है, ठीक है, अमीर सही है, सही। जमात वाला जो होता है ना, हर टाइम किसी को भला चाहता है, बुरे कभी नहीं। यार कोई और सीट खाली है? जी ये सीट खाली है। उन्हें कितना प्यार से सलाम दिया था, लेकिन इसका जवाब देने का आधा घंटा लग गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जमात वाला ने पूछा भाई कहाँ पर जा रहे हो, कहाँ के लिए रवाना हुआ? नकाश। नकाश माशाल्लाह। नकाश भाई कहाँ की रवानगी है? जी लाहौर जा रहा हूँ, एक म्यूजिक वीडियो की शूट है। नकाश भाई हम सब भी लाहौर रायमंड जा रहे हैं, तो सफ़र काफ़ी लंबा है, क्यों ना अपना तारुफ कराए, एक दूसरे को जान भी जाएंगे और सफ़र भी खुशगवार गुजरेगा। जी हम अख्तर साहब, ये भाई अब्दुल हादी, ओ भाई फैजान, टोपी डाल के कितना अच्छा से वीडियो बनाता है, वाह क्या बात है, ये हमारे माजा का वीडियो है, आप लोग भी देख लीजिए गाइस, साइड से वीडियो में प्ले मैंने कर दिया था वीडियो। लगता है रेल चलने लगी है, सब सफर की दुआ पढ़ लें। जी म्यूजिक वीडियो भी बनाता हूँ और इरादा है एक दिन की तरफ भी चला जाए। आपकी मुस्कुराहट की वजह जान सकता हूँ? जी बेशक, किसी ज़माने में मैं भी एक्टर हुआ करता था, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन। लेकिन वो बेदीन रह गए और अल्लाह ने मुझे दुआ करेंगे कि अल्लाह शाहरुख खान को भी दीन इस्लाम की तरफ चलने और इस तबलीग की तरफ राग़िब कर दे। अगर वो तबलीग की तरफ राग़िब हो गए तो नौजवानों को जैसा लग रहा है उन्होंने पूछा है क्या हुआ, तबलीग की तरफ राग़िब कुछ नहीं बोला। नकाश भाई क्या हुआ? बहुत सुंदर वीडियो है, आप लोग भी देख लीजिए, ये वीडियो है साइड में जो चल रहा है। नकाश भाई के सर को दबाओ सात मरतबा, वाओ माशाल्लाह, अल्लाह परेशान में लग रहा था, उसका सर भी दबाने लग रहा है, आप लोग कुछ वीडियो में देखो सर भी दबा दे रहा। क्या भाई इतना घबराने का क्या बात है, घबराना नहीं चाहिए था। अमीर साहब देखो तो मैं सो तो
अमीर साहब एक दो खजूर करके मैं सोता हूँ, तहज्जुद के लिए भी उठना पड़ेगा और आप लोगों की खिदमत भी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप सो जाओ, सोने की दुआ पढ़ के सोना। ठीक है अमीर साहब। अमीर साहब मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे भी सोना चाहिए। जमात में जाओगे आप भी सो जाए, अगर आप साथी में से किसी ने सोना है तो आप लोग भी सो सकते हैं। नहीं अमीर साहब, हम अपने जिक्र अस्कार मुकम्मल कर रहे थे। सुभान, बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है। पिस्तौल देखो, निकालो जल्दी से, निकालो निकालो। सब दे रहे तसल्ली, हम आपको सब देंगे, लेकिन आपने हमारे कोशिश करो इसको घर में पाओ। मोबाइल साहब मोबाइल भी मांग रहा है, ये मोबाइल अगर आपने इसमें से सिम दे तो साथियों के साथ हम रास्ते में रहेंगे। पैसे खिदमत वाले पैसे भी दे। परेशान में पड़ गया था। अमीर साहब मेरे साथ टोटल 3500 रुपए है, सबके सब आपको दे दिए। मेहमान क्यों होता है ना, मेहमान का तरफ मेहमान तरफ। भाईजान आप, भाईजान देखो इस वीडियो में देखने के बाद आप लोगों को कुछ सीखने का मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना आपको सब चीजें दे दी। आप लोग को भी क्या हमारी बात, कुछ सीखने का नया सीखने का मिल जाएगा। हमारी बात सुन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी आपकी और तमाम पाकिस्तान की कामयाबी पूरी पूरी दिन में, ये दिन मुझ में आपने तमाम अहले मुस्लिमों में कैसे हैं इसके लिए जबरदस्त मेहनत, इसी मेहनत के सिलसिले में हम रायमंड जा रहे हैं। आप अगर हमारे साथ चले तो आपका वक्त नहीं, नहीं यार आप लोग किस किस्म के इंसान हैं, अपने मेहमान का भी ख्याल रख रहे हैं, हमें सब कुछ सामान भी दे दिया है और हमें दीन की तबलीग भी दे रहे हैं। आप झूठ भी बोल सकते थे भाई, अगर हम झूठ बोलते तो हमारी इस तबलीग का क्या। माशाल्लाह अमीर साहब आपकी मोहब्बत और खलूस देखकर मैं आप लोगों से बहुत मुतासर हूं। आप लोगों को कैसा लगा और मुझे भी इस राह पे चलना है। कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे भी इस राह, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा दावत देने के लिए घर घर उसका माशाल्लाह से। अमीर साहब लोग दावत में बुलाया भी नहीं, बंदे जा रहे थे और अभी 8 बंदे जा रहे हैं इज्तिमा में। अल्लाह जाने इज्तिमा तक पहुंचते पहुंचते हम कितनी बड़ी जमात बन गए होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिक्रमंद हो जाओ ना तो अल्लाह फजल व करम करता है, जमात तैयार कर जल्द। अल्लाह इलियास भाई और अल्लाह के फजल व करम से उस दिन के बाद नकाश कबूल हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वैसे अमीर साहब अख्तर साहब को आपने कहाँ से कबूल किया था? गाइस सारी वीडियो खत्म हो चुका है, जितना और लगे ये वीडियो को कुछ सीखने के लिए मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देख दो, अगर पूरा वीडियो देख दो देख लो आप लोग कुछ सीखने का मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई रहना वाली वीडियो देख के फिर लगा के हुए स्पेशल अमीर साहब के लिए, आपने बैटिंग बहुत अच्छी की थी।